वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं सभी बच्चों से एक रिक्वेस्ट करता हूं कि सभी बच्चे अपना वर्क कंप्लीट करने के बाद आप अपने मोबाइल को बंद करके रख देना। अदर सोशल मीडिया कोई भी साइट को यूज मत करना, ना ही गेम खेलना है, ना कोई अदर कोई यूट्यूब वगैरह पर आपको मूवी वगैरह सॉन्ग वगैरह कोई चीज़ नहीं देखनी। तो मुझे उम्मीद है कि मेरे सभी बच्चे जो हैं बहुत अच्छे हैं और मेरा ये कहना ज़रूर मानेंगे। तो हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सिक्स लेसन एडवांस ऑप्शंस ऑफ एमएस पावर पॉइंट, यानी एडवांस ऑप्शन एमएस पावर पॉइंट के एडवांस ऑप्शन क्या है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, इसमें सही ऑप्शन के आगे टिक लगाना। फर्स्ट क्वेश्चन है पावर पॉइंट कैन बी स्टार्टेड इन वे, यानी पावर पॉइंट कितने तरीकों से स्टार्ट किया जा सकता है। 1, 2, 3, 4, तो इसका होगा 2, यानी कि 2 तरीकों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिलिंग द ब्लैंक्स, इज प्रेजेंट एट द टॉप ऑफ द पावर पॉइंट डॉक्यूमेंट, पावर पॉइंट डॉक्यूमेंट में सबसे ऊपर क्या प्रेजेंट होता है। तो सबसे ऊपर होता है मेन्यू बार। नेक्स्ट है यू कैन ऐड पिक्चर इन द, यानी कि तुम जो है किसी पिक्चर को ऐड कर सकते हो फाइल में, रेक्टेंगुलर में, अपीयर्स में, स्लाइड में। तो इसका हो जाएगा स्लाइड में, स्लाइड में हम किसी पिक्चर को ऐड कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, स्टैंडर्ड टूल बार इज जस्ट बिलो द, स्टैंडर्ड टूल बार किसके नीचे होता है एकदम। तो स्टैंडर्ड। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, फिल इन द ब्लैंक्स, ये रिक्त स्थान दे रखे हैं, इस स्थानों में हमें वर्ड फिल करने हैं। स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट वाले में आया कि दिस बार इज प्रेजेंट बिलो द स्टैंडर्ड टूल बार, सेकंड में आ गया प्रेजेंटेशन, एंड थर्ड में है वेरियस, और फोर में स्लाइड, एंड फाइव में टाइम वाइज स्लाइड शो व्यू। राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स, सही के आगे टी और गलत के आगे फॉल्स हमें लिखना है। तो फर्स्ट है कि यू कैन नॉट एड इंसर्ट और डिलीट स्लाइड एज पर योर रिक्वायरमेंट। तो फर्स्ट वाला फॉल्स है, इस पर हम एफ बना देंगे। एंड नेक्स्ट है द प्रोसीजर इज सिंपल, ये ट्रू है, टी बना देंगे। एंड नेक्स्ट है यू कैन गेट ए डिटेल पिक्चर ऑफ ईच स्लाइड, तो थर्ड वाला भी सही है, इसके पास भी हम टी बना देंगे। एंड लास्ट है एफ, लास्ट वाले पे हम एफ बना देंगे, यानी कि लास्ट जो है वो फॉल्स है, तो एफ बना देंगे। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन नंबर ई है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, निम्नलिखित क्वेश्चन के हमें आंसर लिखने हैं। तो जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज पावर पॉइंट, यानी पावर पॉइंट क्या है। तो आंसर है पावर पॉइंट इज ए प्रेजेंटेशन प्रोग्राम दैट अलाउज यूजर टू क्रिएट, एडिट एंड शेयर मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन, यानी कि पावर पॉइंट जो है एक प्रेजेंटेशन प्रोग्राम है जिसमें हम प्रेजेंटेशन तैयार करते हैं, जो स्लाइड के रूप में चलता है, एनिमेशन के रूप में चलता है। इट इज़ ए पार्ट ऑफ एमएस पावर पॉइंट, और ये जो है एमएस पावर पॉइंट का ही एक पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज स्टैंडर्ड टूल बार, स्टैंडर्ड टूल बार क्या होता है। आंसर है ए स्टैंडर्ड टूल बार इज ए ग्राफिकल यूजर इंटरफेस एलिमेंट, यानी कि स्टैंडर्ड टूल बार जो है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है दैट प्रोवाइड क्विक एक्सेस टू कॉमन फंक्शन इन ए प्रोग्राम, इट इज़ यूजुअली अपीयर एट द टॉप और बॉटम ऑफ द स्क्रीन। स्टैंडर्ड टूल बार जो है एक ग्राफिकल प्रोग्राम है जो स्क्रीन के ऊपर भी और नीचे भी दोनों तरफ प्रेजेंट होता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 के, राइट द स्टेप ऑफ सेविंग स्लाइड, सेविंग स्लाइड के स्टेप लिखिए, जब भी किसी स्लाइड को हम सेव करना है उसका क्या स्टेप है। आफ्टर कंप्लीटिंग द वर्क ऑन द स्लाइड यू कैन सेव इट ऑन द डेस्क, यानी किसी भी स्लाइड का हमारा कंप्लीट वर्क कंप्लीट होने के बाद हम उसको सेव करते हैं, तो किस तरीके से सेव करेंगे। स्टेप 1, सेलेक्ट द सेव ऑप्शन फ्रॉम द फाइल मेन्यू, फाइल मेन्यू को ओपन करेंगे फिर उसमें जो सेव ऑप्शन आएगा उसको सेलेक्ट कर लेंगे। एंड गिव द नेम ऑफ डॉक्यूमेंट एंड क्लिक द सेव बटन ऑफ द सेव डायलॉग बॉक्स, और उसके बाद कोई भी नाम हम उसमें पुट कर देंगे जिस नाम से हम उसको सेव करना चाहते हैं, और ओके बटन पर, सेव बटन पर क्लिक कर द फीचर ऑफ पावर पॉइंट,
पावर पॉइंट के फीचर लिखने हैं। क्या क्या इसका फीचर है? फर्स्ट है फीचर ऑफ पावर पॉइंट, फर्स्ट है कस्टमाइज कलर्स स्कीम, जो कलर्स होते हैं उसको कस्टमाइज करना, मैनेज करना, नए नए डिफरेंस कलर को क्रिएट करना। नेक्स्ट है एडिंग एनिमेशन, एनिमेशन बनाना, यानी कि जो दृश्य होते हैं एनिमेशन के उसको ऐड करना। थर्ड है क्रिएटिंग टेबल्स, टेबल को बनाना। एंड फॉर फ्यूचर है एडिंग इमेज, किसी भी स्लाइड के अंदर कोई सी भी हमारी इमेज को ऐड करना है। एंड नेक्स्ट है क्रिएटिंग कस्टम शो, कस्टम शो को क्रिएट करना। क्रिएटिंग एंड इम्पोर्टिंग चार्ट, किसी भी चार्ट को उस स्लाइड के अंदर इम्पोर्ट करना, पहुँचाना और क्रिएट करना। नेक्स्ट फ्यूचर इजी एक्सपोर्टिंग टू MS Word, आसानी से MS Word के अंदर इसको एक्सपोर्ट कर देना। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ स्टार्टिंग विद ए न्यू स्लाइड शो, नए स्लाइड शो के साथ हम कैसे इसको स्टार्ट कर सकते हैं। तो आंसर है टू स्टार्ट ए स्लाइड शो इन पावर पॉइंट फ्रॉम द वेब, ओपन द फाइल एंड ऑन द स्लाइड शो टैब ऑफ द रिबन, सेलेक्ट प्ले फ्रॉम द बिगनिंग। तो ये अच्छे से समझ में आ चुके होंगे, तो सभी बच्चों से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ इसको अच्छे से नोट कर लेना और अपनी बुक में फिल कर लेना, और लास्ट में अपने नाम के साथ कमेंट जरूर कर देना।